डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मेरे पास में एक किताब है, सरकारी चौपड़ी यानी कि पाठ्यपुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक। सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, धोरण 8 यानी कि स्टैंडर्ड 8, द्वितीय सत्र यानी कि सेकंड सेमेस्टर। दोस्तों, इस किताब को जब आप ओपन करते हो, जब आप खोलते हो, तो आपको पता चलता है कि कुल मिलाकर 14 यानी कि 14 पाठ है इसमें, और 2 पुनरावर्तन यानी कि रिवीजन। इन सबको अगर हम पॉइंट वाइज समझें, ऊपर ऊपर से पहले समझें, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आपकी ये जो पाठ्यपुस्तक है यानी कि जो टेक्स्ट बुक है वो बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसमें कुछ ही पन्नों में आपका एक पाठ ख़त्म हो जाता है। जैसे जैसे आप और क्लास आगे बढ़ते हो, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में आते हो, कॉलेज में आते हो, तो बहुत ही ज़्यादा पेजेस के आपको पाठ पढ़ने होंगे। यहाँ तो सिर्फ चंद पन्ने हैं जिनको आपको समझना है, और समझना किस तरह से है दोस्तों, पॉइंट वाइज। आपको मेन जो बातें हैं उसको पकड़नी है। सबसे पहले ये बात समझ लो कि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको नाम याद रखने हैं और आपको ईस्वी सन यानी कि साल याद रखनी है कि किस साल में क्या हुआ था, किसने क्या किया था, कौन सी संस्था बनी थी, कौन सी एक्टिविटी हुई थी, कौन सी चीज़ दूर हुई थी, कौन सा रूल आया था, कौन सा कायदा ख़त्म हो गया था, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। जैसे कि आपको ये 8वीं क्लास में जो सेकंड सेमेस्टर का जो पहला पार्ट है, धार्मिक सामाजिक जागृति, अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे पहले आपको इसका टाइटल समझना होगा। टाइटल में दोस्तों धार्मिक यानी, अगर गुजराती में आपको समझाऊँ कि धार्मिक इटले धर्म ने लगती, यानी जो चीज़, जो बात आपके धर्म को, आपके मजहब को असर करती है, वो बातें होंगी इस पार्ट में। और दूसरा है सामाजिक, तो समाज ने लगती यानी जो सामाजिक तौर तरीकों पर जो गौर करती है वैसी बातें होंगी। और यहाँ पर जागृति यानी कि जागरूकता यानी कि अवेयरनेस। तो दोस्तों, पहले के ज़माने में, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, 7वीं क्लास में भी देख चुके हो कि न्यूसेंस यानी कि अनिष्ट यानी बुरी चीज़ें, गलत रिवाज, कुरिवाज जिसे कहते हैं, वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा थी। धीरे धीरे करके जैसे जैसे कुछ समाज सुधारक हमारे यहाँ पे आए और एजुकेशन जैसे जैसे हमें बढ़ता गया, हम लोग सुधरते गए, हमारे जो माइंड है वो सुधरते गए, यानी हम संकुचित जो विचारधारा रखते थे, जो हम कुपमंडूक थे, कुपमंडूक यानी कुएं के मेंढक, यानी जो सिर्फ कुएं को ही दुनिया समझता है, बाहर आके देखता है तो फिर पता चलता है कि असल दुनिया तो भाई बाहर है, तो हम वैसे थे। तो धीरे धीरे करके हमारी सोच में निखार आया, बढ़ोतरी हुई, हमारा विकास हुआ, हमारी सोच आगे बढ़ी। तो इस पार्ट के अंदर, इस पहले पार्ट के अंदर आपको ये मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये जानने को मिलेगा कि पहले के ज़माने में क्या क्या था, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। जैसे तो अंधश्रद्धा थी, फिर वहम, अज्ञानता, जो दोस्तों धीरे धीरे करके दूर हो गई। अज्ञानता दोस्तों ऐसी चीज़ है कि जब तक हम अज्ञान हैं तब तक हम कुछ भी नहीं हैं, हम इंसान भी नहीं हैं। फिर कुरिवाजों, जो गलत रिवाज जो होते हैं दोस्तों, वो भी थे पहले। और ज्ञाति प्रथा, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि एक चीज़ थी दोस्तों, वहाँ पे एक कायदा था पहले के ज़माने में, एक ऐसा रिवाज था कि अगर छोटी बच्ची पैदा होती है, किसी बच्ची का जन्म होता है, तो उसको गर्म खौलते हुए दूध में डाल दिया जाता था और उसकी हत्या कर दी जाती थी, जिसको दूध पीती करवानो रिवाज कहते हैं। तो ये चीज़ आपको इस पार्ट में पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों आपको ये जानने को मिलेगा कि राजा राम मोहन राय एक बहुत ही जाने माने इंसान थे और समाज सुधारक थे, जिन्होंने ये कोशिश की कि ये सारे जो कुरिवाज हैं, ये जो सती प्रथा है, ये जो दूध पीती करवाना जो रिवाज है, ये सारे रिवाजों को वो ख़त्म कर सके, क्योंकि उनके साथ भी कुछ हादसे हुए थे। जैसे कि उनकी खुद की शादी बचपन में ही हो गई थी, जिसको बाढ़ लगना बोलते हैं। तो पहले के ज़माने में ऐसा भी होता था कि छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, तो ये हादसा उनके साथ भी हुआ था। एक और हादसा दोस्तों उनके साथ ये हुआ था कि उनकी भाभी को सती कर दिया गया था, यानी उनके भाई का देहांत हो चुका था, गुजर गए थे, तो साथ में चिता पर उनको भी जिंदा बैठा कर जला दिया था, जिसे सती प्रथा कहते हैं। तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें उनके खुद के साथ भी हुई, उनको खुद को फील भी हुआ, और उन्होंने समाज में देखा और इन्होंने एक मुहिम चलाई, और फिर काफ़ी सारे कायदे, नियम, अखबार, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि उन्होंने सन
1821 में एक बंगाली में एक अखबार निकाला संवाद कौमुदी, और 1822 में फारसी भाषा में मिराद उल अखबार निकाले जिसके जरिए जन जागृति का अभियान उन्होंने चलाया। इसके अलावा दोस्तों 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की, वो एक ऐसी संस्था थी कि जो जन जागृति का सबको जागरूक करने का काम करती थी। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए कि इन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई थी, और उस मुहिम कहाँ तक वो मुहिम सफल हुई थी तो सन 1829 में अंग्रेज गवर्नर जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने इस सती प्रथा का जो ये नियम था, जो रिवाज था, उस पर प्रतिबंध ला दिया, यानी कि वो रिवाज बंद करवा दिया था। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ बातें हैं जो इस पार्ट में आपको पढ़ने को मिलेगी। जैसे कुछ और बातें हैं, जैसे दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, तो उन्होंने घर छोड़ दिया था ज्ञान पाने के लिए। 15 साल तक देश भर में उन्होंने परिभ्रमण किया था, योगा सीखा था, और एक सूत्र भी दिया था, एक बोध दिया था कि वेदों तरफ पाछा बढ़ो। इसके अलावा दोस्तों आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की थी, और उनके अवसान के बाद, यानी वो गुजर गए थे, उनके देहांत के बाद दोस्तों लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त और लाला लजपत राय जैसे लोगों ने उस संस्था की प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाया। 1902 में एक गुरुकुल की स्थापना हुई थी जिसका नाम था कांगड़ी। तो ये सारी बातें आपको इस पार्ट में पढ़ने को मिलेगी। इसके अलावा आपको रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानने को मिलेगा कि जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और स्वामी विवेकानंद के बारे में दोस्तों मैं बताऊं तो उनका बचपन में नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, और ये जो थे नरेंद्रनाथ दत्त उन्होंने एक सूत्र दिया था लोगों को कि दुखी मानवों ने सेवा करवा अने तेमाज ईश्वरना दर्शन करवा। यानी अगर आप ईश्वर का दर्शन करना चाहते हो, यानी ऊपर वाले को साक्षात देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको दुखी लोगों की सेवा करनी होगी, तो आपको ऊपर वाले के दर्शन हो जाएंगे, दीदार हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ा ही काम का बड़ा ही बढ़िया सा सूत्र इन्होंने दिया था, उठो जागो अने ध्येय प्राप्ति सुधी मंडिया रहो। इट मीन्स कि जब तक आपको सफलता मिल नहीं जाती तब तक आप कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, बैठो नहीं, थको नहीं, रुको नहीं। इसके बाद में दोस्तों आपको इस पार्ट में मुस्लिम समाज में सुधारानी चळवळ के बारे में भी पता चलेगा कि एक ऐसी मुहिम भी चली थी कि मुस्लिम समाज में कुछ सुधारें आए, जैसे कि कुछ कुरिवाज थे वो भी ख़त्म हुए। तो किसने ये शुरुआत की थी, तो राय बरेली ना सैयद अहमद खान अने बंगाड़ना सरयतुल्ला, इन लोगों की आगेवानी में एक मुहिम शुरू हुई थी, और इस मुहिम का नाम था वहाबी आंदोलन। दोस्तों इसके अलावा आपको ये जानने को मिलेगा कि सर सैयद अहमद खान जिन्होंने ये मुहिम चलाई थी उनका जन्म उमराव कुटुंब में हुआ था, और उन्होंने एक यूनिवर्सिटी भी बनाई थी जो पहले अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज जिसे कहते हैं, तो 1875 में जो बनाई थी, जो बाद में आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों इसके अलावा आपको सिख समाज में क्या हुआ, पारसी समाज में क्या हुआ वो भी जानने को मिलेगा। ज्योतिबा फुले के बारे में जानकारी आपको मिलेगी कि जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और आखिर में आपको इस पार्ट में ठक्कर बाबा के बारे में जानने को मिलेगा जिनका असल नाम था अमृतलाल ठक्कर, जो गांधी जी की एक संस्था थी अखिल हिंद हरिजन संघ उसके मंत्री थे। गांधी जी ने ये जो संस्था शुरू की थी जो हरिजन लोगों की सेवा और उनकी देखभाल के लिए बनाई गई थी, तो वो संस्था में वो मंत्री थे। और इसके अलावा दोस्तों एक बात ये है कि वो संस्था में ऐसे ही जॉब नहीं करते थे बल्कि अपनी इच्छा से और लगन से वो काम करते थे। उनके पास पहले अच्छे पगार वाली नौकरी थी जिसको छोड़ करके वो गांधी जी की इस संस्था में आए थे। तो दोस्तों ये पार्ट बिल्कुल आसान है, आपको पॉइंट वाइज समझना है, आपको सारे नाम, संस्थाओं के नाम और वो संस्थाएं किसने शुरू की थी और कब शुरू की थी, आपको बस इतनी सी और इतनी ही बातें याद रखनी है।